कई लोग ऐसे थे जो कि टूवर्ड्स जर्नी थे अपने सेंटर, कोई ट्रेन पे था, कोई बस में था। अचानक से कि नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। सरकार कुछ इनकी इनकैपेबिलिटीज और सरकार की कमजोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए सिर्फ इसका पढ़ते पढ़ते पढ़ते। हम रोज दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा एग्जाम होगा। सबसे पहले नीट पीजी का जो पोस्टपोन इन्फॉर्मेशन आई, कब आपको पता लगी? देखिए, ये बेसिकली व्हाट्सएप फॉरवर्ड से रात को अराउंड 10 बजे ये मैसेज आया, और जैसे ही मैसेज आया मेरे पास कई सारे कॉल्स आने लगे कि क्या ये न्यूज़ सच है, क्या ये न्यूज़ फेक है। बिकॉज़ कई लोग ऐसे थे जो कि टूवर्ड्स जर्नी थे अपने सेंटर, कोई ट्रेन पे था, कोई बस में था, कोई कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुबह सुबह सेंटर्स के लिए निकलना था तो वो जल्दी सोने वाले थे। और वो जो न्यूज़ शुरू में आई थी ना, वो ऑथेंटिक लग भी नहीं रही थी। तो शुरू में तो सबको यही लगा कि क्या ये फेक न्यूज़ तो नहीं है। बट जैसे जैसे चीज़ें पिक्चर क्लियर हुआ, मिनिस्ट्री के तरफ से ट्वीट्स आने लगी और ज़्यादा क्लैरिटी आई, तब सच में ये सबके लिए बहुत बड़ा शॉक था कि कोई एग्ज़ाम 12 घंटे पहले कैसे कैंसिल हो सकता है। बिकॉज इसमें कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो दूर दराज से आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सेंटर अपने होम टाउन या जहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर रहता है, और वो जा चुके हैं, इतना ट्रैवल पे, होस्टे पे खर्च कर चुके हैं। NRI स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लाखों रुपए ट्रैवल स्टे पे खर्च कर चुके होते हैं, और अब आने के बाद ऐसा शॉक, ये एक्चुअल में एक मेंटल ट्रॉमा है ऐसे लोगों के लिए। आप भी तैयारी कर रहे थे, जैसे अभी आप कौन से हॉस्पिटल में हैं, क्या है? जी, मैं तो फिलहाल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ऐसा JR वर्क कर रहा हूँ, और मैंने कई दिनों से छुट्टी ले रखी थी, मतलब नॉन पेड लीव से एक तरह से आप कह सकते हो, जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकूँ, लास्ट मिनट रिवीजन अच्छे से कर सकूँ। बट कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो जॉब्स ज्वाइन ही नहीं करते, वो पूरा टाइम अपना डेडिकेट करते हैं बस इसी एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज ये एग्ज़ाम उतना भी आसान नहीं होता है। अगर टॉप ब्रांचेस की बात करूँ तो कुछ 10-15 हज़ार रैंक के अंदर आपको आना पड़ता है 2.5 लाख बच्चों में एक अपने डिज़ायर्ड ब्रांच लाने, मतलब पाने के लिए। तो ये इतना एक इजी एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। तो इसके लिए कई लोग तो ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली अभी भी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप जहाँ पे अभी गौतम नगर आए हो, ये गौतम नगर ऑफलाइन कोचिंग का हब माना जाता है नीट PG के लिए। यहाँ पे एट ए टाइम 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ नीट PG की या FMG की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा शौक ही है, क्योंकि अब आगे क्या, उनको आगे का भी रास्ता क्लियर नहीं है। लोग ये सोच रहे थे कि अभी एग्ज़ाम दे के कुछ महीने जॉब्स कर लेंगे, जिससे थोड़ा फाइनेंशियली जो बर्डन अभी भी फैमिली पे, MBBS करने के बाद भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, वो कुछ हद तक अपने फाइनेंसेस अपने कंट्रोल कर पाए। तो ये आगे अब एग्ज़ाम कब होगा इसका डेट भी नहीं आया, तो अभी पूरी तरह से अनसर्टेनिटी है। कल रात को मुझे भी पता चला अचानक से कि नीट PG का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कोई पहले से कोई ऐसे वार्निंग नहीं थे, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। डेट्स हमेशा से आगे पीछे होते रहे हैं, पर ये सडनली एक रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसी की वजह से सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ पता नहीं चल रहा किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या सेंटर पड़ा था आपका? सेंटर मेरा था गाज़ियाबाद में, तो उसके हिसाब से ही मैं तैयार था, क्योंकि गाज़ियाबाद जाने में सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम सब प्रिपेयर थे। बट अचानक से ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, और तीसरी बार, एक ही एग्ज़ाम आप साल में 3 बार डेट चेंज करते हैं, बिल्कुल ही समझ के परे है ये। पहले 3 मार्च को, फिर 7 जुलाई को पोस्टपोन्ड होना समझ में आता है। इन्होंने एक बार प्रीपोन्ड भी किया था 7 जुलाई की डेट दे के, और एग्ज़ाम 15 दिन पहले कराने की बात की थी 23 जून को, और अब 23 जून को भी ये लोग करवा नहीं पा रहे। तो ये बेसिकली एजेंसी की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है, और मेरे हिसाब से ये लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। संडे को आज के दिन हमारा नीट PG का पेपर होने वाला था, लेकिन सरकार कुछ इनकी इनकैपेबिलिटीज़ और सरकार की कमजोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। पता नहीं सरकार बच्चों से क्या चाहती है, सरकार बच्चों के साथ ऐसा क्या करना चाहती है जिससे बच्चे पूरे परेशान रहें, बच्चे स्ट्रेस में रहें। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एक तरफ एम्स वाले हैं जो साल में 2 बार पेपर कराते हैं टाइम पे, 2 बार काउंसलिंग कराते हैं टाइम पे, और 2 बार बच्चों को एडमिशन देते हैं, और एक तरफ ही NBEMS बोर्ड वाले हैं जिनसे कुछ भी नहीं हुआ जा रहा है। 2 बार हमारा पेपर एक बार पोस्टपोन किया गया पहले जनवरी में, उसमें बोला गया जुलाई को होगा, फिर प्रीपोन करा गया, किसी पता नहीं किसी बिना अच्छा रीज़न दिए कि 15 दिन पहले हम आपका पेपर प्रीपोन कर रहे हैं एग्ज़ाम से एक रात पहले, मतलब 12 घंटे भी नहीं बचे थे, और उसमें एक नोटिस आता है कि आपका पेपर नहीं होगा। अब सरकार को ये देखना चाहिए कि
जब इतने बच्चे अपना इतना इतना टाइम देते हैं, बच्चे 15-15, 14-14 घंटे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे, बच्चे इतना स्ट्रेस में होते हैं, एक दिन पहले, दो दिन पहले, हफ्ते भर पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि समझ भी नहीं आता क्या खाए, क्या पिए, कहाँ जाए, क्या पढ़े, क्या नहीं करें, कि चलो एक पेपर है और करना है और देना है, और एक रात पहले को पता लगता है कि पेपर पोस्टपोन हो चुका है। क्यों? आप में इतनी इनकैपेबिलिटीज है तो आप मत कराइए पेपर, आप आई नहीं वालों को दे दीजिए, एम्स वालों को दे दीजिए, वो सक्षम है पेपर कराने के लिए। ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और हम सरकार की इस हरकत के बारे में कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे कि अभी बॉस ने बताया कि हमारा एग्ज़ाम डिले हुआ था, तो सबसे पहले तो आप इसकी टाइमलाइन समझिए कि सबसे पहले पिछले साल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इस बार कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम जनवरी में हो, तो उन्होंने कहा कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ नहीं, आया कि मार्च में एग्ज़ाम होगा। हलो, हमने कहा ठीक है मार्च के लिए पढ़ लेंगे, फिर मार्च में एग्ज़ाम होना था तो हमें जनवरी में पता लगा कि मार्च में नहीं, अब एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई 8 को। तो हमने सोचा कि यार ये तो गलत हुआ हमारे साथ, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और फिर 4 महीने डिले, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत की वजह से कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर 8 जुलाई का जो पेपर है उसको इन्होंने शिफ्ट किया 23 जून को। मतलब हर महीने आप देख रहे हैं, रोज पहले कहते हैं कि जनवरी में, फिर कहते हैं मार्च में, फिर जुलाई में, फिर कहते हैं जून में, और फिर लास्ट में आए एक दिन बचता है और कहते हैं कि हम तो अब पेपर ले ही नहीं रहे, हम अब जब नेक्स्ट डेट होगी तब लेंगे। तो मतलब आप लोगों ने बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों का जो पढ़ाई है, उसको तो आपने मजाक बना दिया है कि लिटरली कि बच्चे दिन रात, हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए सिर्फ इसका पढ़ते पढ़ते पढ़ते, हम रोज दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा एग्ज़ाम होगा, हम अच्छे से जो पढ़ते हैं, जिसको जो हमने तैयारी करी उसका यूज़ होगा, बट यूज़ तो दूर की बात, पेपर तो इनसे पेपर नहीं लिया जा रहा है एक ढंग से कि जिससे ना मतलब कि बच्चे आप फ्यूचर में डॉक्टर बना पाएँ। तो मतलब इतना, मतलब हम इस जो सरकार की जो हरकत है और जो एक मतलब एक एजेंसी, टेस्ट एजेंसी, जिसका काम ये होना चाहिए कि बच्चों सारे जो पूरे नेशन वाइड जो पूरे बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका एग्ज़ाम लिया जाए, तरीके से लिया जाए, वो इनसे नहीं हो पाता। उसमें पेपर लीक होते हैं, धांधली होती है, कोई 25 लाख में बेच रहा है, कोई 5 लाख में बेच रहा है, और हम यहाँ पे अपना पूरा टाइम दे के 20-20 घंटे 18-18 घंटे लास्ट के 10 दिनों में हम लोग ने 18-18 घंटे पढ़ाई करी है, हमने 4 घंटे सोते हैं हम, और हम लास्ट में हमको देखने को मिलता है कि हमारा पेपर ही नहीं हो रहा, और वो भी एक रात, बहुत सारे बच्चे तो सो गए होंगे, जब उनको सुबह पता लगा रहा है हमारा तो सेंटर में पहुंच गए कि हमारा तो पेपर पोस्टपोन हो गया, जो कि मतलब आज तक कभी नहीं हुआ और आज अब ये सरकार के कारण ये देखने को मिलता है। मैं अब पूरी PSC और CSC का जो काम है वो छोड़ के यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आया था। हम जैसे ही पहुँचे, हमने रूम लिए, होटल्स वगैरह लिए हमारे साथियों ने, जब उनको रात को पता लगा तो उन्होंने, जो उनका भी मन खराब हो गया कि वो इतनी दूर से पूरी PSC को छोड़ के आए हैं, वहाँ पर जो सेवाएं बाधित हो रही है उसको छोड़ कर आए, तो ये सरकार को एक दिन केवल 12 घंटे के शॉर्ट नोटिस में, कहीं को तो पता ही नहीं चला, आप कैसे कर सकते हो? तो ये बिल्कुल अनैतिक है, सरकार की विश्वसनीयता पर, NVA की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है कि केवल 12 घंटे से पहले ही, जब लोग सब लोग मोबिलाइज होके रेंट पर आ चुके थे, जहाँ जहाँ सेंटर थे वो दिए जा चुके थे, उसके बाद आप अचानक से एग्जाम की डेट को पोस्टपोन कर देते हो। यही नहीं, पिछले 3-4 सालों में ऐसा कुछ नहीं है, कभी काउंसलिंग को लेकर डिले होता रहा, पिछले साल एग्जाम जल्दी करा दिया तो 4 महीने 6 महीने 8-9 महीने तक काउंसलिंग चलती रही, फिर वो एग्जाम कराने का भी मतलब नहीं रह गया।